नो डाउट, गुड। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कैसे कैसे जो है कॉस्ट रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 148 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, इंटर में भी पढ़ा हुआ है लेकिन फाइनल में दोबारा हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा आपसे कहा कल हमने इतना पढ़ा कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करानी है, और उसकी एक लिमिट हमने पढ़ी 25, 50, 35, 100 वाली। आज थोड़े से आगे के रूल्स पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट के, कि आगे के रूल्स क्या हैं। अब आगे के रूल्स से हमारा क्या मतलब है, आगे के रूल से हमारा मतलब है बेटा कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिट। भाई कौन से प्रोविजन की बात कर रहे हो, थोड़ा सा चार्ट जो है नीचे ले लेते हैं इसको हम लोग और यहां इसको लेकर आ जाते हैं और यहां एक बड़ा चार्ट बना देंगे। हाँ जी, हाँ बताओ बताओ बेटा। आपका ना माइक आप थोड़ा सा पास लेकर आओ। ठीक है सर। हाँ आप ठीक है सर, वो हमने तो लिमिट पर इतना रेगुलेटेड सेक्टर, बिल्कुल 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 वो दोनों मतलब सेटिस्फाइड होना जरूरी है। बिल्कुल बेटा, एंड लिखा हुआ है ना दोनों में, एंड हाँ। बिल्कुल दोनों पूरा होना जरूरी है। एक भी अगर उसमें से पूरा नहीं हुआ तो फिर ये प्रोविजन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आती है बात कि भैया कॉस्ट ऑडिट करते समय प्रोविजन क्या लगेंगे। तो हमने पहले सबसे पहली बात ये है, हु कैन बी कॉस्ट ऑडिटर। तो यहां जो है एडवांटेज मिलता है सीएमए को, हु कैन बी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर, तो वो है बेटा ओनली सीएमए और वो भी इन प्रैक्टिस। अच्छा यहां मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अच्छे से आप, ठीक है, हु इज ओनली सीएमए और हु इज इन प्रैक्टिस, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, कॉस्ट ऑडिटर कहलाता है। अब ये स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 148, और सेक्शन 148 क्या है, स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। सेक्शन 148 क्या है, स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट का मतलब है कि जो सेक्शन 148 में की जा रही है उसके लिए सीएमए कंपलसरी है। अगर कोई वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट कराता है तो फिर उस केस में सीएमए का होना जरूरी नहीं है, कोई नॉन सीएमए भी कर सकता है, एक चीज। दूसरी बात, अब यहां आपको देखो मैं थोड़ा सा जो है रेफर करूंगा क्योंकि आप लोगों को यहां पे इंटर का आएगा, मैं वैसे बता रहा हूं आपको प्रोविजन ध्यान से सुन लीजिएगा जरा। आपने इंटर में एक प्रोविजन पढ़ा था, हाउ टू अपॉइंट ऑडिटर, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू अपॉइंट ऑडिटर, सेक्शन 139 अगर आपको याद हो तो, हाउ टू अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर। टेक्निकली तो हम लोग बताए यहां पर क्या लिख देते हैं, सेम एज सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यानी जैसे कोई भी कंपनी अपने यहां पे फाइनेंस ऑडिटर को अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो टेक्निकली आपको वो प्रोसेस याद होना चाहिए, फिर भी चूंकि अब ऐसा हो सकता है कि याद ना हो, इतने दिन हो गए, पिछले साल पढ़ा होगा आपने, तो मैं एक बार शॉर्ट में उसका रिकॉल करा रहा हूं जितना अपने को जरूरत है। हमने वहां पे पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, हमने मतलब जिस जब भी आपने पढ़ा होगा जिससे भी, पहला होता है व्हेन कंपनी हैव ऑडिट कमेटी, ठीक है, और दूसरा व्हेन कंपनी डू नॉट हैव ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो दो अलग अलग केसेस हैं, कंपनी में ऑडिट कमेटी है या कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं। अब ऑडिट कमेटी वाले प्रोविजन में नहीं जाऊंगा, सेक्शन 177 है, इंटर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमने अभी यहां पे भी देख ही लिया था जब डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा। तो 177 में नहीं जाऊंगा, कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी है किसको नहीं, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो क्या होगा, तो देखेंगे इसके अंदर क्या प्रोविजन है हमारा। इन केस, इन सच केस, इन सच केस ऑडिट कमेटी विल गिव, रिकमेंडेशन ऑन नेम ऑफ ऑडिटर
टू बीओडी। अच्छा यहां मजेदार बात क्या है, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कभी भी शेयर होल्डर नहीं करते। अगर आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जाएंगे तो जो फाइनेंस ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर के केस में अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स नहीं करते, बीओडी करता है। तो ऑडिट कमेटी अगर है तो ऑडिट कमेटी जो है रिकमेंडेशन दे देगी नाम का, और जब रिकमेंडेशन देगी ऑडिट कमेटी नाम का, तो उस समय नाम का रिकमेंडेशन देते समय ऑडिट कमेटी कुछ कंसीडर करती है, कुछ चीजें कंसीडरिंग, कुछ दो तीन बातें जो है ध्यान में रखेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर, ऑफ ऑडिट फर्म, साइज ऑफ आर कंपनी, क्योंकि फर्म का जो साइज है वो कंपनी के साइज के बराबर हो तो बेटर है, बराबर जैसे उसके लेवल का हो, एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑन ऑडिटर्स अगर कोई चल रही है तो। इन सबको ध्यान में रखकर ऑडिट कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है। अच्छा इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेशन दे दिया आपने, इसको यहां लेते हैं, ध्यान देना जरा इस पे। रिकमेंडेशन जो आप देंगे वो रिकमेंडेशन इन चीजों को ध्यान में रख के देंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी नहीं करेगी, अपॉइंटमेंट का जो काम है वो बीओडी का है। ठीक है, आफ्टर दैट बीओडी विल अपॉइंट ऑडिटर। अब चूंकि बीओडी अपॉइंट कर रहा है तो कॉमन सेंस तो यार इतना आप लगा ही सकते हैं कि बीओडी तो बोर्ड मीटिंग में ही करेगा फाइनल लेवल पर। कम से कम मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि बीओडी डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लेता है, शेयर होल्डर डिसीजन जनरल मीटिंग में लेता है। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो क्या होगा, सो इन दैट केस बीओडी विल अपॉइंट। तो आप कहेंगे सर बीओडी तो पहले भी अपॉइंट ही कर रहा था, अब पहले लेकिन रिकमेंडेशन कौन दे रहा था, पहले रिकमेंडेशन उसको ऑडिट कमेटी दे रही थी, तो अभी यहां पर क्या होगा, बीओडी विल अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर, और यहां पे वो क्या करेगा, जो कंसीडरेशन इन्होंने दिए वही कंसीडरेशन अब बीओडी खुद देखेगा कंसीडरिंग। ठीक है, तो जो फैक्टर वहां ऑडिट कमिटी ने कंसीडर करके रिकमेंडेशन दिया वही फैक्टर जो है बीओडी अब कंसीडर करके रिकमेंडेशन देगा। अच्छा अपॉइंटमेंट होने के बाद में जैसे मैंने कहा था कि यहां शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी नीड है जो पूरी करनी पड़ेगी, और नीड क्या है, नीड ये है आफ्टर अपॉइंटमेंट, ये इधर भी लगेगा, इसको तो मैं यहीं लिख देता हूं, ऊपर दोनों में लगेगा ना, ये वाला कॉमन प्रोविजन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा कहीं होच पोच ना हो जाए। और इधर वाले में भी आफ्टर अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर विल रेटिफाई, शेयर होल्डर विल रेटिफाई द अपॉइंटमेंट। अब आप कहेंगे सर रेटिफाई क्या होता है, इस रेटिफाई का मतलब है शेयर होल्डर से जाके पूछेंगे सर हमने ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट कर दिया, तो आप कहेंगे सर जब शेयर होल्डर से पूछना ही पड़ गया तो फिर तो शेयर होल्डर की अप्रूवल ही लेनी पड़ गई। नहीं देखो, तो घर में क्या होता है, अभी तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, पर शादी वादी के लिए तो घर वाले क्या करेंगे, तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर देंगे, लड़का पसंद कर देंगे, तुमको बताएंगे कि देखो लड़का पसंद कर दिया, और तुमको बोलेंगे कि हाँ बोलो, तुमको हाँ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बोलना ही पड़ेगा हाँ, क्योंकि घर वालों ने पसंद कर दिया तुम्हारे लिए ना, तो लड़की पसंद कर दिया, लड़का पसंद कर दिया, डिसीजन किसने लिया, घर वालों ने, तुमसे रेटिफाई कराएंगे, तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहे हैं, रेटिफाई, बोल हाँ बोल इसको, आपने बोला ना, फिर घर वाले पूछेंगे भाई क्यों, क्या दिक्कत है, बता इसके अंदर क्या परेशानी है, आपने नहीं परेशानी तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हाँ क्यों नहीं कर रहा भाई, ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा इससे करने का, तो भाई क्यों नहीं क्या, लेकिन हाँ बोलवा के छोड़ेंगे। अब बाद में जब आपकी शादी हो गई, फिर कलेश हो रहे हैं घर में आपके, अब घर वालों को आपने बोला देखो आपने शादी करी, घर वाले ने तेरे से पूछा तो था, पहले दिखाया तो था तेरे को फोटो, मिलवाया तो था, आपने कहा था मैंने तो मना किया था, लेकिन तूने हाँ कहा था, कैसे नहीं कहा था, तभी तेरी शादी कराई। अब आप समझ में नहीं आ रहा कि साला आपने हाँ कब का, आप तो शुरू से ना कह रहे थे, फिर ये अचानक हाँ कहाँ से आ गया, और हाँ मैंने घर वालों ने आप ही के ऊपर डाल दिया, तूने हाँ कहा इसलिए तो शादी कराई, वरना हम कराते ही नहीं। यही हाल रेटिफिकेशन का है,
शेयर होल्डर से पूछना नहीं होता है, उनको बताना होता है, लेकिन बाद में उनको ये बोल सकते हैं सर आपसे पूछा तो था हमने, आपने हाँ कहा था ना, इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन करना। तो आफ्टर अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर विल रेटिफाई द अपॉइंटमेंट, यानी शेयर होल्डर से हम बोलेंगे कि भैया आप इसको जो है क्या कर दीजिए, रेटिफाई कर दीजिए। तो और सामान्य तौर पे हमेशा ऐसा ही होता है कि शेयर होल्डर कुछ नहीं करते, बोले हाँ कर देता ठीक है कंटिन्यू कर लो, आफ्टर अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर विल रेटिफाई, वो भी इसमें ज्यादा कुछ करते नहीं द पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान प्रोविजन है। बेटा देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना सारे बच्चे, खासतौर पे वो बच्चे या बच्चियां जो लिखने में बहुत बिलीव करते हैं, मेरे को पता है जनरली मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों इंट्यूशन सा होने लग जाता है कि यार कौन कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो घर पे मेरे साथ साथ लिख रहा होगा, हो सकता है वो ना लिख रहा हो लेकिन मुझे लगता है कैसा लिख रहा होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, साथ साथ मत लिखो, समझो चीजों, अब तुम फाइनल में आ गए, इंटर में नहीं रहे, फाइनल में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको पूरा सेक्शन आता होगा, अच्छे से पढ़ के जाओगे, फिर भी क्वेश्चन का आंसर वहां जाके नहीं आएगा, तो फिर बहुत भयंकर तकलीफ होगी आपको। इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे लिख लेना, जल्दीबाजी मत करो, अपना टाइम बचाने, आप सोच रहे हो कि अभी हम यहां लिख लेंगे तो मेरा टाइम बच जाएगा, बचेगा नहीं टाइम, खराब हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जितना ध्यान से सुनोगे उतने सवाल आप हमसे पूछोगे, उतने तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, और जितने तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी सेक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है हाउ टू अपॉइंट। अब तीसरी बात आती है व्हेन टू अपॉइंट। तो व्हेन टू अपॉइंट का जो प्रोविजन अगर आपको याद हो तो जो आपने वहां पे सेक्शन नंबर 139 जो हमारा अपॉइंटमेंट का सेक्शन है उसमें जो सबसेक्शन आपने 7 पढ़ा विच इज ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इस तरीके का प्रोविजन आपने पढ़ा होगा। और इसी तरीके से आपने वहां पे एक सेक्शन 139(5) पढ़ा होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट का। तो जो प्रोविजन सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे लगता है ना गवर्नमेंट कंपनी का, सेम यहां पर है भाई। कैसे? विद इन 180 डेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब इस एक लाइन से कई बातें समझ में आ रही है। पहली बात कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो हर साल किया जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट जो है आपने एक बार कर दिया और 5 साल के लिए चलेगा, तो कहीं गलती से आपको वही वाला प्रोविजन ध्यान में रह जाए, ऐसा मत कर लेना। यहां कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हर साल होता है, क्यों होता है हर साल भाई, 5 साल में एक बार क्यों नहीं कर देते, क्या तकलीफ है? अरे ऊपर लिमिट पढ़ी ना आपने, कॉस्ट ऑडिट हर साल डिसाइड करना पड़ता है, सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग फाइनेंस ऑडिट हर कंपनी को हर साल करानी ही पड़ती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन कॉस्ट ऑडिट में तो लिमिट है ना। अब अगर आपने प्रोविजन डाल दिया कि एक बार ऑडिटर अपॉइंट हो गया 5 साल तक वही चलेगा, बेचारी कंपनी मर गई, वो तो जबरदस्ती 5 साल ऑडिट करानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भैया हर साल हमारे को यही नहीं पता ऑडिट होगी या नहीं होगी, तो एक ऑडिटर को 5 साल के लिए कैसे अपॉइंट करें? तो क्या प्रोविजन बनाया कि भैया आप जो है पहले अपॉइंटमेंट जो है करवा लीजिए, एक पहले तो डिसाइड कर लो आपको अपॉइंटमेंट कराना है या नहीं कराना है, और अगर आपने डिसाइड कर लिया अपॉइंटमेंट कराना है तो उसके बाद में फिर जो है ऑडिटर को साल के बिगिनिंग से 180 दिन, कौन सा साल पकड़ोगे, जिस साल की ऑडिट हो रही है, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी चालू हो गया 23-24, तो 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बिगिनिंग से, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से 180 दिनों के अंदर अंदर आप 23-24 की ऑडिट के लिए ऑडिटर को अपॉइंट कर देना। 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है जिसकी ऑडिट होगी साल के एंड में, उसकी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इसी साल के बिगिनिंग से 180 दिनों में, यानी मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल से 180 दिन का मतलब है 27 सितंबर जो भी आएगा, जैसे अभी 2023-24 चल रहा है तो 27 सितंबर 2023 इस तक आप जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार ये बात समझ में आ गई। अब इसके अगला वाला जो प्रोविजन है बेटा वो बहुत खतरनाक है, मैं आपको सबको ये वार्निंग दे रहा हूं एक तरीके से, मैं रिपीट नहीं करूंगा प्रोविजन, आराम से पढ़ाऊंगा, स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, प्रॉपरली डिटेल में समझा के पढ़ाऊंगा। आप मुझसे ये बोलो कि सर पूरा प्रोविजन एक बार दोबारा समझा दो, नहीं समझाऊंगा। आपने मेरे को आकर कल बोला कि सर एक बार मैंने घर पे जाके पढ़ा था मुझे नहीं आया, मैं नहीं बताऊंगा। इसीलिए जो लिख रहे हैं प्लीज स्टॉप राइटिंग एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, मैं कोई डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा कल आपका, मुझे पता है आप लोग लिखने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और सुनेंगे नहीं ध्यान से, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कृपया यहां ध्यान से सुने थोड़ी देर के लिए। अपॉइंटमेंट के बाद में आफ्टर अपॉइंटमेंट
कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी। अब ये मुद्दा है कितने दिनों में, विद इन 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट और इन 180 डेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्ली। मतलब ये कि जिस दिन अपॉइंटमेंट करा उससे 30 दिन, या फिर साल के बिगनिंग से 180 दिन। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए, अच्छा 180 दिन जो है ना मोटा मोटी 27 सितंबर के आसपास आएंगे, तो जरा दिमाग में रखिएगा 27 सितंबर जब भी मैं बोलूं इसका मतलब 180 दिन की बात कर रहा हूं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी 180 दिनों में करना है, इन्फॉर्म भी 180 दिन के अंदर अंदर ही करना है, लेकिन ये तो कॉमन सी बात है, बिना अपॉइंटमेंट करे तो इन्फॉर्म करेंगे। अब साल का बिगनिंग 2023-24 की बात करें, 1/4/2023 से साल की शुरुआत हुई, तो 180 दिन मतलब 27 सितंबर 2023 तक आपको मोटा मोटी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देना है। एक बात मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट कर दिया 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई से 30 दिनों में इन्फॉर्म करोगे, 15 जुलाई से 30 दिन का मतलब हो गया 13 अगस्त, या फिर साल के बिगनिंग से 180 दिन मतलब 27 सितंबर, तो 13 अगस्त और 27 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। दोबारा सुनिए, यदि मान लीजिए 15 जुलाई को आपने अपॉइंटमेंट करा, तो हमने क्या बोला कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है, जिस दिन अपॉइंट करा उससे 30 दिन, तो 15 जुलाई को अगर आप अपॉइंट करते हैं तो उससे 30 दिन का मतलब मोटा मोटी क्या आएगा, 13 या 14 अगस्त, राइट। और या फिर साल के बिगनिंग से 180 दिन, साल के बिगनिंग से 180 दिन मतलब 27 सितंबर, तो 13 या 14 अगस्त पकड़ लेता हूं, 14 अगस्त और 27 सितंबर विच एवर इज अर्लियर मतलब 14 अगस्त। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट किया गया होता 15 सितंबर को मान लीजिए, तो 30 दिन 15 सितंबर से 30 दिन बात करेंगे, तो 14 अक्टूबर पहले वाले में 13 अगस्त आएगा, 31 का जुलाई है ना महीने 31 का है, 14 अक्टूबर या फिर साल के बिगनिंग से 180 दिन मतलब 27 सितंबर, तो 27 सितंबर और 14 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर मतलब 27 सितंबर। क्यों, आपने चूंकि अपॉइंटमेंट लेट, अगर आप 25 सितंबर को अपॉइंटमेंट करते तो दो ही दिन मिलते इन्फॉर्म करने के लिए, इसलिए तो प्रोविजन बनाया कि आप एंड टाइम के लिए ना बैठे रहो, एंड टाइम के लिए आप वेट ना करो, आप जो है अपॉइंटमेंट अपना जल्दी से जल्दी सरकार को इसके बारे में आप सूचित कर दो। दैट इज व्हाट द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस सेक्शन, आ रही मेरी बात समझ में। तो ये आपको इन्फॉर्म करना है। अच्छा ऑडिटर को इन्फॉर्म तो करोगे ही करोगे, वो मैं लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो कॉमन सी बात है आफ्टर अपॉइंटमेंट कंपनी हैव टू इन्फॉर्म। कई लोग कहते हैं नहीं सर लिख दो, लिख देते हैं भाई लोग कंपनी हैव टू इन्फॉर्म, वैसे तो कोई जरूरत ही नहीं है, टू ऑडिटर एंड टू आरओसी। और आरओसी को कितने दिन में इन्फॉर्म करना, आरओसी को जो है बेटा 30 दिन और बिगनिंग से 180 दिन विच एवर इज अर्लियर उसमें अपॉइंट कर दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट अगर किसी को है तो मुझसे पूछ लेंगे अभी, यहां तक अगर किसी को भी डाउट है होगा तो पूछेंगे, नहीं है। अच्छा अपॉइंटमेंट के बाद में एक जो बड़ा मुद्दा आता है वो आता है जो एक्ट में दिया हुआ नहीं है, यानी अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, एक्ट इसके ऊपर पूरी तरीके से साइलेंट। क्या टेन्योर, एक्ट ने नहीं लिखा, मैं आपसे पूछता हूं टेन्योर क्या है, टेन्योर ऑफ ऑडिटर, तो आप मुझे बताएं कि कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या होना चाहिए। कितने लोग, कौन से बच्चे, अच्छा एक्ट साइलेंट है मैं पहले ही बता रहा हूं, तो आप मुझे बताएं कि ऑडिटर का टेन्योर क्या होना चाहिए। मैं इसको यहीं लिख देता हूं तो आ ही नहीं पाएगा यार, सो गए मुझे लगता है, शायद बच्चे नींद में हैं। एक साल मतलब बेटा कोई पीरियड कोई डेट तो बताओ, एक साल मतलब कब से काउंट करूं, एक साल में बताओ, एक जो 1 अप्रैल से काउंट करूं, तब से एक साल ले, ठीक है, क्यों एक साल क्यों ले। अच्छा अगले साल का ऑडिटर आएगा, अच्छा ठीक है चलो मान लिया आपकी बात, एक साल अगले साल का ऑडिटर 1 अप्रैल से लेकर 27 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। अगर वो पहले आ गया तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है मान लीजिए 15 सितंबर 2023 को, अब आप एक साल बोलते हो 15 सितंबर 2023 से, एक साल मतलब 15 सितंबर 2024,
और अगले साल को ऑडिटर मुझसे पहले आ गया तो आ सकता है भाई, उसके अपॉइंटमेंट का टाइम है 1 अप्रैल 2024 से, फिर मैं क्या करूंगा? है नया पुराना वाला चला जाएगा है? शिवानी जी आपने तो ये सेक्शन जो है ना लॉ में पढ़ लिया, शिवानी जी आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा मुझे, आप रिलेटेड पार्टी हो हमारी, क्योंकि आपने सेक्शन 148 लॉ में पढ़ लिया, न्यू ऑडिटर के अपॉइंटमेंट तक, भावना जी ने बताया नए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट तक, ठीक है, और 6 months to 1 year टेन्योर होगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, 6 months to 1 year, 6 months का मतलब समझते हो आप क्या हो रहा है, अगर मान लो मेरा अपॉइंटमेंट 20 अगस्त को हो गया और आपने 6 महीने मुझे दिए, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लो फरवरी में बार, अभी तो ईयर भी एंड नहीं हुआ, मैं ऑडिट भी चालू नहीं करा मैंने, देखो बड़ा सिंपल सा है, आप शायद सही बात बोलना चाह रहे हो और आप शायद शब्दों का प्रयोग सही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब समझ तो गए कि आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आप प्रोविजन क्या है। देखो अगले साल के ऑडिटर का आने का टाइम क्या है, वही 1 अप्रैल से 30 सितंबर 26 27 सितंबर से पहले पहले, यानी 23-24 का ऑडिटर आया, 24-25 का ऑडिटर कब तक आएगा, 27 सितंबर 2024 से पहले पहले। तो हमने क्या बोला, अब नया ऑडिटर को 27 सितंबर तक अपॉइंट होने का टाइम था ना, उसके पास तो टाइम बहुत है, मैं तो ऑडिट 31 मार्च खत्म होने से पहले चालू ही नहीं कर सकता, कैसे करूंगा, ईयर एंड होगा तभी तो करूंगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि या इसका टेन्योर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखना कैसे है, 180 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्यों लिख रहा हूं 180 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अगले साल का ऑडिटर अगले साल के बिगिनिंग से 180 दिनों में आएगा, तो अगले साल का बिगनिंग और इस साल का क्लोजिंग दोनों बराबर ही पड़ेंगे ना, वो एक क्लोजिंग 31 मार्च को होगी, बिगनिंग 1 अप्रैल को होगी, तो हमें अगले साल का ऑडिटर अगले साल के बिगनिंग से 180 दिनों में लाना है, यानी उससे पहले पहले मुझे मेरी ऑडिट कर लेनी है, तो 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दोनों में से क्या हो, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, अगर बंदे ने ऑडिट रिपोर्ट अपनी जुलाई में दे दी, जून में दे दी, तो भैया ठीक है, तो निकल फिर, तेरा हो गया काम, अभी ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो मैटर खत्म हो गया, तो फिर उस केस में उसका टेन्योर क्या रहेगा, इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो 180 डेज, अच्छा 180 डेज तो आपको मिलेंगे, पुराना ऑडिटर जो है नया ऑडिटर वो अपॉइंट हो जाए, लेकिन वो काम तभी चालू करेगा जब पुराना ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर चुका होगा, उससे पहले वो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। सर, हाँ सर, 180 डेज वाला फिर से समझाओ बेटा, आपने मुझे बताओ, एक मिनट रुको मैं लिख के समझाता हूँ, यहाँ पे फिगर लिख के समझाता हूँ, 2023-24 का जो ऑडिटर है वो कब तक आएगा, अपॉइंटमेंट का टाइम बताओ मुझे, 2023-24 के ऑडिटर का, ठीक है ना, तो यहां तक आ जाना है उसको, कभी भी अपॉइंट हो सकता है, 2024-25 का ऑडिटर कब तक अपॉइंट होगा, ठीक है, यू यानी इसका जो अपॉइंटमेंट होना है वो होना है 1 अप्रैल 2024 से इसके बीच में, और इसका 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है ना। अब ये जो ऑडिटर है ये मान लीजिए कभी भी अपॉइंट हुआ, मान लीजिए 15 सितंबर को अपॉइंट हो गए, लेकिन ये बेचारा ऑडिट स्टार्ट तो कब करेगा, ओनली फ्रॉम एंड ऑफ 23-24, यानी 31 मार्च 2024 के बाद तो इसको रहना ही पड़ेगा, वरना ऑडिट कैसे करेगा। हम आपको क्या कह रहे हैं, इस ऑडिटर को हमने बोला कि भैया तू देख 23-24 की ऑडिट चाहे 31 मार्च 2024 के बाद स्टार्ट कर या कभी भी कर, उससे हमें मतलब नहीं है, तू क्या करना इसके आने से पहले चला जाना, इसके आने से पहले का मतलब इस ये कब आएगा, साल के बिगनिंग से 180 दिन, या अब देखो इस साल का बिगनिंग और इस साल का एंड दोनों एक ही दिन होंगे, तो मैंने क्या बोला इसके आने से पहले चला जाना, ये आने का टाइम क्या है, साल के बिगनिंग से 180 दिन, यानी इसको कब जाना है, इसको जाना है 23-24 के एंड से 180 दिन, ठीक है, समझ में आई क्या बात, और या फिर
ये कह रहा है लेकिन सर मैं तो ऑडिट रिपोर्ट जून में दे दूंगा, मैं 27 सितंबर तक क्या करूंगा, तो पहले चला जा भाई इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अगर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं कर पाया तो भी 23-24 के एंड से 180 दिन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 24-25 के ऑडिटर का टाइम हो गया आने का, तो वो तो आएगा ना यार, इसीलिए। समझ गए मेरी बात? गुड। और किसी बच्चे को डाउट हो तो बताएंगे। और किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताएंगे। नहीं है, ये एग्जाम्पल हटा देता हूं यहां से ना, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। चलिए अब आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, तो ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सेम एज ऑडिटर ऑफ फाइनेंस ऑडिटर, ठीक है, सेम एज फाइनेंस ऑडिटर, यानी जो फाइनेंस ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज आप पढ़कर आए, कहां पढ़कर आए थे आप, पढ़कर आए थे सेक्शन नंबर 143 के अंदर, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 143 के अंदर आपने पढ़ा था राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ क्या, कंपनी ऑडिटर, उसी के जो राइट्स एंड ड्यूटीज उसके हैं बिल्कुल सेम राइट्स इसके पास भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर तो। अच्छा अब राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद में आता है टेन्योर की हम बात कर ही चुके, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी की बात और कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन चलेंगे ऑडिट रिपोर्ट पे। कैजुअल वैकेंसी एट प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी एट प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर क्या बोल रही है, इन केस कैजुअल वैकेंसी अराइजेस एट प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर देन ही शैल, सॉरी तो ये वैकेंसी कितने दिनों में फिल करनी है, शैल बी फिल्ड इन 30 days बाय बीओडी, कोई तामझाम नहीं है लंबा चौड़ा, बीओडी जो है इस वैकेंसी को फिल करेगा, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी आएगी उससे 30 दिनों के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को आप क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, क्या बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, कैजुअल वैकेंसी को 30 दिन में, गुड। अच्छा अब बात करेंगे हम दो चीजें, अब ऑडिटर की बात कर लेते हैं खाली, मतलब मेनली ऑडिटर की बात कर लेते हैं, एक तो बड़ी छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज ये है कि जो ऑडिटर है उसको जो है ही हैज टू कंप्लाई विद, ऑडिटर शैल कंप्लाई विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, यहां गलती मत कर देना, गलती से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत लिख देना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कंपनी करेगी जब कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी, ठीक है ना, आपको नहीं करना है, कंपनी मेंटेन करेगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को तब कंपनी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करेगी, आप ऑडिटर हैं तो ऑडिटर के तौर पर आप कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको और ढंग से लिख देता हूं, और आखिरी जो चीज है कॉस्ट ऑडिट में, ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, मैंने कल बताया भी था, दो बार बता चुका हूं अब तक, चार ही कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। चलिए अब बात आती है लास्ट में इश्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इश्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, एक मिनट।
चलिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी ऑडिट रिपोर्ट जो है हम लोग इशू करेंगे, और क्या क्या प्रोसीजर है वो देखिएगा। कम जो ऑडिटर है, मैं ये नहीं बताऊंगा ऑडिट रिपोर्ट को कितने दिनों में इशू करना है, क्योंकि लॉ में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि 180 दिन का मैक्सिमम टाइम है हमारे पास। अभी भी पढ़ कर आए हम लोग कि 180 दिन तो आपके पास उससे अब तो है ही नहीं। सो ऑडिटर शैल इशू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, मैं भी आपको फॉर्म के नंबर याद करा दूंगा, बता दूंगा मैं फॉर्म नंबर कौन से, टू कंपनी। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट एड्रेस होगी, एड्रेस्ड टू बीओडी, यानी ये रिपोर्ट आपको शेयर होल्डर को एड्रेस नहीं करनी है, बीओडी को एड्रेस करनी है, ठीक है ना। शेल इशू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू कंपनी एड्रेस टू बीओडी, यहां पे तो लिख दो इन फॉर्म CRA 3। CRA 1 तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसके लिए CRA 1 है। CRA 2 होता है जो ये हम ROC को इन्फॉर्म करते हैं ना, इसको ये वाला होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे इन CRA 2 फॉर्म। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी ये ROC को इन्फॉर्म करने का है। अब ROC को चाहे आप कैजुअल वैकेंसी के लिए इन्फॉर्म करो, चाहे आप नॉर्मल के लिए अपॉइंटमेंट करो, वो आना ही है तो वो ड्यू टू चेंजेस इन टर्नओवर। अभी 2 मिनट बाद लूंगा बेटा आपका सवाल में, है ना, 2 मिनट बाद लेता हूं आपका सवाल। तो ऑडिटर का जो इन्फॉर्म आप करेंगे, मतलब ROC को इन्फॉर्म करेंगे ऑडिटर के बारे में, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी वाले ऑडिटर का करें चाहे इसका, CRA 2 फॉर्म के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करें तो ऑडिटर को जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है वो CRA 3 फॉर्म में करनी है। कंपनी को इशू करेंगे यानी शेयर होल्डर को इशू नहीं करना है, BOD को इशू करेंगे यानी एड्रेस टू BOD होनी चाहिए, ठीक है। सो इशू टू द कंपनी, एड्रेस टू द BOD। अब वहां पर कंपनी की ड्यूटी क्या है, कंपनी के पार्ट पे भी ड्यूटी है। कंपनी शेल इन्फॉर्म, या इन्फॉर्म तो नहीं लिखते, शेल फॉरवर्ड सच ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अलोंग विद एक्सप्लेनेशन ऑन एनी नेगेटिव और एडवर्स और क्वालिफाइड रिमार्क, ठीक है, इन ऑडिट रिपोर्ट। ये जाएगा इन CRA 4 फॉर्म, यानी ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को दी, ध्यान रहे इस बात का, वो शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है कि कंपनी ने, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं भेजी। ऑडिटर का काम अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना नहीं है, वो सिर्फ कंपनी को देगा, कंपनी फॉरवर्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड दैट टू अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस ऑन एनी एडवर्स और नेगेटिव रिमार्क इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई नेगेटिव रिमार्क है, कोई एडवर्स रिमार्क है, तो उसके ऊपर वो अपना एक्सप्लेनेशन भी देगा। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां तक कोई अगर डाउट हो तो मुझे बताएं। ऑडिट रिपोर्ट को फॉरवर्ड कितने दिनों कराया, 30 डेज, लिखा नहीं मैंने, ये मैं यहां लिख देता हूं इन 30 डेज, यानी जिस दिन फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ, तो जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट आपको मिली ना, उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। यहां तक कोई अगर डाउट हो किसी को भी तो मुझे बता दे। अब एक डाउट पूछा है रिशिता ने, सर 24-25 में ऑडिटर को आना ही है ना, क्यों आना है, वो तो अगले साल पता चलेगा ना, 24-25 की लिमिट्स देखने के बाद पता चलेगा ना, सॉरी 23-24 की लिमिट देखने के बाद, ऐसे कैसे हम बताएंगे बताओ। आज अगर 24-25 की ऑडिट होनी है तो लिमिट्स तो देखनी पड़ेंगी ना, बिना लिमिट के कैसे बताएंगे हम लोग। रिशिता आपका सवाल, आपका आंसर मिला कि नहीं मिला आपको, एक बार बताएं मुझे। रिशिता प्लीज रिस्पॉन्ड, ओके सर, शी गॉट द आंसर और नॉट, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए अब आखिरी प्रोविजंस पे जाएंगे कॉस्ट ऑडिट के, जिसके ऊपर कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक है
नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोस कंपनीज having its 75% turnover through exports। यानी अगर किसी कंपनी का 75% turnover exports से आता है तो उस कंपनी के केस में फिर आपको जो है सेक्शन ये नहीं लगाना है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, उस कंपनी को रिलैक्सेशन है, कोई कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना, कुछ नहीं, मर्जी से कराने करा लो। और या फिर एन एंटिटी इज वर्किंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलो दूसरा आ जाएंगे भाई, नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन। यदि किसी ने भी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो ऑडिटर हो, कोई भी कंप्लायंस ना हो, इफ कंपनी और ऑडिटर डू नॉट कंप्लाई विद अबव प्रोविजन। अब नेचुरल सी बात है, जो प्रोविजन ऑडिटर पे लगता है वो ऑडिटर कंप्लाई करेगा, तो ही शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 147 ऑफ कंपनी एक्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने बहुत सारा पढ़ा इंटर में। खैर यहां पे भी हमारे पास चैप्टर है ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इसमें पढ़ाऊंगा दोबारा मैं, तो वहां पे तो ये प्रोविजन है सेक्शन 148 के। इसमें किसी को अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताएंगे भाई। सबको अच्छे से आ गया? आप तुमको जितना इस वैसे तो खैर पहले मेरे साथ साथ लिख चुके होंगे, फिर भी चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो तुम लोग फटाफट से, यहां से ले लो। तो ये हमारा सेक्शन 148 कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और कभी कभी सवाल पूछ लेता है तो इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स? कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिट के, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए बेटा ये याद करके जाने पड़ेंगे आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, तो इनको अच्छे से याद करके जाइएगा, हाथ में पेन रखिएगा और हाईलाइट करने के लिए, और जिन बच्चों के पास में हाईलाइटर नहीं है तो कृपया हाईलाइटर खरीद लें, वरना हमें सूचित कर दें, हम आप तक हाईलाइटर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिट के देखें। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स फॉर असर्टेनिंग दैट दीज हैव बीन मेंटेन्ड एंड कंप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन। तो मैं शॉर्ट में हाईलाइट करता हूं, सारा नहीं करते। क्या असर्टेनिंग whether, ascertaining whether cost records, ठीक है, have been properly maintained according to cost accounting system। तो जो भी entity का cost accounting system है उसके according है, यानी ये check करने के लिए cost auditing की जाती है। Ensuring prescribed procedure of the cost accounting records rules are duly adhered, तो सिंपल लिखेंगे इंश्योरिंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एडहियर्ड और नॉट, एडहियर्ड मतलब पालना करना। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, लेकिन ये याद रखिएगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले
तो भैया ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी नहीं है। यानी फ्रॉड एंड एरर ढूंढना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। ये तो हमारा फाइनेंस ऑडिट का भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर टू इंश्योर दैट दीज हैव बीन प्रॉपरली असर्टेन। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, अब देखो ये दो चीजें हो सकती हैं कि आपने फाइनेंस ऑडिट में भी कर दी हो, ठीक है, हो सकता है। लाइक मैं लिखूंगा नहीं, मैं वैसे समझाता हूँ। एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम लोग यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, एक स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग जो है, जैसे आप अपने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ICA वालों ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उसके अंदर एक ऐसे है SA 610। अभी उसमें हम क्या पढ़ते हैं, यूज ऑफ द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑडिट करने गए और आपसे पहले चुकी ऑडिट ऑलरेडी हो चुकी है, तो हो सकता है उसका काम आपको आ जाए। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फाइनेंस ऑडिटर भी चेक कर चुका होगा, तो आप चाहें तो उसने जो वैल्यूएशन करा है वही ले सकते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, गवर्नमेंट जो ऑडिट, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये आगे काम में आएगा, कल ही काम में आएगा। जो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का प्रोविजन है ना, जो अंडर 148 है, पहले पुराने कंपनीज 2013 में 1956 में ये सेक्शन 233B हुआ करता था, कॉस्ट ऑडिट वाला 233B, राइट। तो मालूम है उस समय कॉस्ट ऑडिट को इशू किया गया था, या स्टैट्यूटरली क्यों सरकार ने इसको, आज भी यही है शायद, ऑब्जेक्टिव तो चेंज नहीं होगा। सरकार की क्या मंशा थी कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी करने की कुछ कंपनीज को, कॉस्ट का डिटर्मिनेशन, क्योंकि सरकार को जो है ना ये देखना पड़ता है कौन सा नेसेसिटी प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है, तो उनकी प्राइस जो है फिर सरकार डिसाइड करती है। और प्राइस जैसे हवा में डिसाइड नहीं की जा सकती ना, आपने मान लीजिए आज हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है जो कि नेसेसिटी मेडिसिन में आती है, नेसेसिटी की कैटेगरी में आती है, तो ऐसे केस में उस मेडिसिन की प्राइस सरकार को अपने हाथ से डिसाइड करनी पड़ती है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो पहले कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कराते हैं, मालूम करते हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, अकॉर्डिंगली फिर प्राइस को डिसाइड करते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो फिक्सेशन ऑफ प्राइस है ना, दैट अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस, यही है प्राइमरी, मैं लिख देता हूं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 148, वो यही वाला था। इसके अलावा पीरियडिकल रिकंसिलेशन बिटवीन द फाइनेंस रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये तो बहुत कॉमन है, कॉस्टिंग में ही पढ़ लिया होगा, वो भी इंटर में ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कि ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिटेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस अगर है तो उनके बारे में, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अकाउंटेंट है वो मालूम नहीं कर पाता, तो कॉस्ट ऑडिटर मालूम कर लेता है, क्योंकि जो अकाउंटेंट है उसके लिए तो नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ होता ही नहीं। एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर यूनिट और इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द एरियाज वेयर परफॉर्मेंस कॉल फॉर इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट को हम ये बता पाते हैं कि भाई कौन कौन से एरिया में अपने को इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड हेल्पिंग द एंटिटीज इन मैटर ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंटी प्रॉफिटिंग, प्राइस कंट्रोल, ये सरकार के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 148। तो कोई पूछे सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो प्राइमरी ये, सेकेंडरी। अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या हो सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। वेरीफाइंग वेदर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर जस्टिफाइड एज पर द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये कोई सरकार आपसे ये नहीं जानना चाहती, तो कंपनीज खुद ही अपनी वॉलंटरी ऑडिट करा करा के लोगों को बताती है कि देखो भैया हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हम आपसे उतना ही प्रोडक्ट चार्ज, पैसा चार्ज करते हैं जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, हमने प्राइस बढ़ाई क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। रिमूविंग द डिस्पैरिटीज इफ एनी इन द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर डिस्पैरिटी है यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस एक्चुअल में कम है लेकिन चार्ज आप ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा है लेकिन चार्ज कम कर रहे हो। लुकिंग इन टू दैट नो कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमिक इम्बेलेंस में अकर, यानी कोई कॉस्टिंग के बेसिस पे इम्बेलेंसेज ना हो, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है कम लेकिन चार्ज ज्यादा हो रही है तो इम्बेलेंस तो नहीं हो रखा है ना, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ना हो, मोटा मोटी ये दोनों एक ही है। फैसिलिटेटिंग इन द ग्लोबल मार्केट एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ये तो मैं कितनी बार आपको बोला कि आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन जो है, अच्छा भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ कितना भी बड़ा कंज्यूमर हो हम कहीं ना कहीं प्राइस से इम्पैक्ट होते हैं, और यही मेंटेलिटी फॉरेन में भी है, ठीक है कम होगी, बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो थोड़ी सी कम होगी लेकिन होती सब में है,
हर आदमी प्राइस कम ही चाहता है, यूएसए यूके वगैरह में भी अगर सेल लगती है तो लोग भागते ही। तो आपको अपने प्रोडक्ट की अगर एक्चुअल कॉस्ट पता है तो आपको पता चलेगा। कई बार हम रैंडमली प्राइस डिसाइड कर देते हैं कि अच्छा ठीक है उसको 60 रुपए का बेच दो, अरे आप कॉस्ट तो निकालो भाई कितने का आ रहा है। मार्केट में सब लोग 60 का बेचे, अपन भी 60 में बेचेंगे, पता चला आपकी तो कॉस्ट ही 35 रुपए, तो आप 45 में बेच सकते थे, मार्केट कैप्चर कर सकते थे। तो ये मालूम करना जरूरी है, एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग अ कॉस्ट ऑडिट। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।